मेरे मित्रों, छत्तीसगढ़ रायपुर से मैं उमेश राजन आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं काल सर्प दोष होता क्यों है। फिर लोग ऐसा भी पूछते हैं कि मैं तो कभी किसी सांप को मारा नहीं, फिर मेरी जन्म कुंडली में ये काल सर्प दोष कहाँ से आ गया। दरअसल जन्म कुंडली हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होती है। हमने पूर्व जन्म में सांप को मारा होगा, इसी वजह से कुंडली में यह दोष आ रहा है, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा कारण, गर्भावस्था में महिलाओं की नज़र बड़ी विषैली होती है, उनकी नज़र बड़ी विषाक्त होती है, जिसके चलते जब वो किसी सर्प को देखती हैं तो सांप तत्काल अंधा हो जाता है। मुझे महिलाओं ने बताया कि स्पीड से मेरी तरफ आ रहा सांप, जैसे ही मैंने उसे देखा और वो तत्काल ठिठक कर खड़ा हो गया, ठिठक कर वहीं का वहीं रह गया, फिर आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा मुझे महिलाओं ने बताया। तो कहने का मतलब कि जैसे ही सांप की दृष्टि, महिला की दृष्टि सर्प पर पड़ती है, सांप तत्काल अंधा हो जाता है और वह दुखी होकर सामने वाले को श्राप दे देता है। इसे ही कहते हैं जन्म कुंडली में सर्प श्राप का आना। और एक तीसरा कारण जो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का पाया जाना हम देखते हैं, ये तीसरा कारण आपको कहीं किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये मेरे रिसर्च से आया हुआ है। यदि विवाह से पहले माता पिता ने अपने काल सर्प दोष की शांति न कराई हो, तो जितनी भी संतानें होती हैं उन सभी संतानों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष देखने में आ जाता है। मेरा ये कहने का है यदि पांच बच्चे हैं और पांचों की कुंडली में काल सर्प दोष आ रहा है, तो पांचों की पत्रिका, पांचों ने तो अपनी पूर्व जन्म में सांप को नहीं मारा होगा। इससे ये प्रमाणित होता है कि माता पिता ने अपने काल सर्प दोष की शांति नहीं कराई थी, उसकी वजह से उनके बच्चों की सभी जितने भी बच्चे हुए उन सभी की पत्रिका में काल सर्प दोष आया है। तो यदि आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष हो तो आपको चाहिए कि विवाह से ठीक पहले इसकी शांति करा दें। तो इससे भी जो भावी आगामी पीढ़ी है, आगामी संतान है, वो इस दोष से बच सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दुनिया में और कोई चौथा कारण काल सर्प दोष होने का होता भी नहीं, लेकिन अगर कोई आपको इससे संबंधित और कोई चौथा उपाय बताए तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।